क्या आपने ग्लास स्लैब देखा है? देखो मेरे हाथ में ना एक ग्लास स्लैब है। अब आज इस ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन करके देखेंगे कि इस ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता क्या। सो हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल चौहान, वेलकम यू ऑल टू प्रैक्टिकल पढ़ाई। हम लोग एक तक प्रैक्टिकल में विश्वास करते हैं, तो फिजिक्स को प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, देन आफ्टर इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है? तो देखो हमने क्या किया है, एक ग्लास स्लैब लिया, ठीक, ग्लास स्लैब डायग्राम बनाने। अब इसे रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो देखो एक रे ऑफ लाइट सपोज करो, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा, तो ये मान के चलिए रे ऑफ लाइट जो कि क्या किया, इंसिडेंट किया, ठीक है। जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है उसको कौन सा रे बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है सर। अच्छा बताना, अगर मीडियम सेम होता तो क्या करता, सीधा धुई निकल जाता। लेकिन सर मीडियम क्या सेम है ना गुरु जी, क्या मीडियम क्या है, डिफरेंट है। अब मीडियम डिफरेंट है तो क्या करेगा, स्पीड चेंज करेगा। स्पीड चेंज का मतलब अपने पाथ से क्या करेगा, बेंड करेगा। तो सर मीडियम डिफरेंट है, ऊपर में क्या रहा होगा सर, एयर रहा होगा, और नीचे में क्या है, ग्लास है। अब ऊपर में एयर है तो ये कौन सा मीडियम, रेयरर मीडियम, एक ऐसा मीडियम डेंसर मीडियम, सही है। तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जाता है तो किधर बेंड करता है, रहने दो तुमसे ना हो पाएगा, मतलब रहने दो तुमसे ना हो पाएगा। हम लोग पढ़े थे, मतलब जब भी रे ऑफ लाइट, पिछले क्लास पिछला वीडियो में हमने यही देखे थे कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जाता है तो किधर बेंड करता है, टुवार्ड्स नॉर्मल। तो जब एयर से डेंसर में जाएगा तो किसके तरफ बेंड करेगा, टुवार्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है सर, इस सर्फेस के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। तो इस सर्फेस के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ किया जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो सर अगर मीडियम सेम होता तो क्या करता, बिल्कुल सीधा रेखा में निकल जाता है ऐसे, सही है, ये बिल्कुल क्या करता, सीधी रेखा में निकल जाते। लेकिन मीडियम क्या किया, चेंज किया। और मीडियम चेंज किया मतलब अपने पाथ से क्या करेगा, चेंज करेगा। तो आप जानते हो कि किधर चेंज करेगा, तो रेयर से डेंसर जा रहा था किधर बेंड करेगा, टुवार्ड्स नॉर्मल। किधर बेंड करेगा, टुवार्ड्स नॉर्मल। तो ये सपोज कीजिए इधर बेंड करेगा, किधर बेंड किया, इधर बेंड किया, टुवार्ड्स नॉर्मल, सही है सर। अब जैसे ही फिर ग्लास से, ग्लास से फिर से किस में जाएगा, एयर में जाएगा। तो जब ग्लास से एयर में जाएगा तो ये सबसे पहले परपेंडिकुलर टू द सरफेस जिसको हम लोग कह लेते हैं नॉर्मल। तो ये सर हमारा क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है सर। अब नॉर्मल आ गया तो फिर ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, ग्लास कैसा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम। और निकलेगा तो फिर किस में निकलेगा, एयर में, और किस से, ग्लास में। तो ये डेंसर मीडियम होगी किस, कौन सा, रेयर। तो अब डेंसर से रेयर जा रहा, पिछले बार कहाँ रेयरर से डेंसर गया था, इस बार कहाँ डेंसर से रेयर जा रहा। तो डेंसर से रेयर मतलब क्या, टुवार्ड्स नॉर्मल के अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये क्या करेगा सर, इधर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो रे ऑफ लाइट निकलती है ना उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इमर्जेंट रे। कौन सा रे बोलते हैं, इमर्जेंट रे। आपको दिखा नहीं होगा, एक मिनट मैं ऊपर लिखता हूँ, दिख रहा है, हाँ। ये जो रे होती है ना, इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, समझना। जो रे आई वो कौन सा, इंसिडेंट रे। ये जो रिफ्रैक्ट किया इसको कौन सा बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और जो फिर से ग्लास से बाहर निकल जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे उसको, इमर्जेंट रे। अब ध्यान से देखना, ए सर ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, और ये क्या, इमर्जेंट रे। ये हमेशा ना पैरेलल होता है, ये ऐसे एकदम पैरेलल होगा, ठीक है। मतलब निकला और ये ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट होगा, और ये रिफ्रैक्ट करेगा फिर जब एयर में निकला तो ये बिल्कुल क्या होगा, पैरेलल होगा। अब समझना, ये अपना पाथ ए था और इस पाथ से यहाँ पे आ गया, तो अपने पाथ से क्या कर गया, छटक गया। क्या किया, छटक किया। तो जो छटकने का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, इस छटक डिस्टेंस को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलता है बच्चा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो आपका डिस्टेंस है ना, इस लैटर, इस डिस्टेंस को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अरे बोलो ना, क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, कुछ नहीं होता सर, जो अपना ओरिजिनल पाथ था ना, हाँ, तो रिफ्रैक्ट करके फिर इमर्जेंट निकला, तो ये दोनों के बीच का जो छटक डिस्टेंस हुआ है, ये छटक डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर रहता है, फिर से देखो। अब सर इंसिडेंट और नॉर्मल का जो बीच का एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड नॉर्मल का बीच का एंगल क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ए वाला भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो इमर्जेंट और नॉर्मल का बीच है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इमर्जेंस। फिर से बोलना, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको बोले इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस होता क्या सर, इमर्जेंट रे और नॉर्मल का बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इमर्जेंस। लेकिन मेन चीज में क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है जो ओरिजिनल पाथ था और जो इमर्जेंट निकला, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अपने पाथ से, अपने डिस्टेंस से, अपने पाथ से क्या छटक गया, जो छटक डिस्टेंस हुआ है उसी को क्या बोलते हम लोग, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, हाँ। तो देखो अब सर छटक डिस्टेंस है, मतलब लैटरल छटक डिस्टेंस मत बोलो, जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले देखो
लैटरल डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही ज़्यादा छटकेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा अपने पास से छटकेगा। तो कैसा रिलेशन? डायरेक्टली का रिलेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा उतना ही छटकेगा, उतना ही जितना छटकेगा उतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लैटरल डिस्टेंस। तो लैटरल डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस के, कौन सा डिफेंड डिस्टेंस का, कौन सा एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये फैक्टर है जिन पर डिपेंड करता है। अगर एक मिनट पहले पूछे कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन, तो आप क्या बोलोगे? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, द ओरिजिनल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इज नोन एज क्या? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको डिफिनेशन में एक कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? सबसे पहले किस पर डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। दूसरा, लैटरल जो डिस्प्लेसमेंट होता है सर, वो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, जो ग्लास है वो कितना ज़्यादा मोटा है, तो थिकनेस ऑफ, जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ज़्यादा छटकेगा, तो छटक डिस्टेंस हुआ, जो छटका हुआ डिस्टेंस है वो कितना ज़्यादा होगा। यानी जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है सर, वो डिपेंड करेगा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना ज़्यादा होगा। तीसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जाता, मतलब जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा क्या करेगा? बेंड करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या? बेंड करता। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे आपको, तो बस यही समझो कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास स्लैब का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। चौथा जो लास्ट होता है वो क्या होता है? वेवलेंथ पे। तो बताना, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है कि वायलेट का ज़्यादा होता है? रेड का ज्यादा, वायलेट का क्या होता है? कम होता है। तो वेवलेंथ के साथ ना इन्वर्सली का रिलेशन होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? वेवलेंथ का। किसका? वेवलेंथ का, मतलब जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही ज्यादा क्या? उतना ही कम लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बताना, रेड का ज्यादा छटक डिस्टेंस होगा कि वायलेट का ज्यादा डिस्टेंस होगा? तो आप बोले सर, लैटरल डिस्प्लेसमेंट ना जो छटक डिस्टेंस है वो वायलेट का ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में? रेड का। तो आप ये भी पॉइंट लिख लेना कि द lateral displacement of violet is more than क्या? red, red से क्या होगा सर? ज़्यादा होगा। तो ये था lateral displacement through glass slab, lateral displacement through glass slab। उधर नहीं दिखा है क्या? Just a minute, let me check। ठीक है, वो नहीं दिख रहा था इस साइड का। तो lateral displacement through the glass slab, ये देखें कि lateral displacement angle of incidence पे depend करता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे डिपेंड करता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पे डिपेंड करता है, और दूसरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? वेवलेंथ के। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना कम, मतलब कि वायलेट का ज़्यादा होता है और रेड का लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? टर्म। तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट समझे, अब छटक डिस्टेंस को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि प्रैक्टिकल क्या होता है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या किया, ग्लास स्लैब दिया, ग्लास स्लैब को मैंने फॉक से कनेक्ट कर दिया। अब देखना, मैं पेन डालूँ कहीं और दिखे कहीं और, दिख रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ क्या? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। किसकी वजह से ये हो रहा है ऐसा? लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो दिख रहा है ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट, राइट। देखिए, ग्लास स्लैब से हम लोग क्या लैटरल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। मेरे पास लेजर लाइट है, ठीक है, और ये हमने ग्लास स्लैब को रख दिया, ठीक है। अब देखिएगा, ये सबसे पहले ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक। अब देखिएगा कि जब ए ऊपर में कैसा इसका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, लेकिन जैसे ही ग्लास में इंटर करेगा तो देखिएगा इसका लैटरल शिफ्टिंग होगा। ओरिजिनल पाथ से जो लैटरल शिफ्ट हो रहा है इसी को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आपका दिस इज द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे, और ये जो पाथ है इंसिडेंट रे, और ये जो पाथ है इमर्जेंट रे, तो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या उसको बोलते हैं? सो दिस इज कॉल्ड द लैटरल डिस्प्लेसमेंट।